हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे इंग्लिश वर्कशीट। इस वर्कशीट को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से बच्चों को कई सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, इसीलिए वीडियो को आप जरूर पूरा देखें। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी फर्स्ट वर्कशीट, फिल ऑल मिसिंग लेटर्स। आप बच्चों को मिसिंग लेटर्स की प्रैक्टिस जरूर कराएं और ज्यादातर उन्हें स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि बच्चे बिग लेटर, कैपिटल लेटर आसानी से लिख लेते हैं, पर वो स्मॉल लेटर्स में काफी मिस्टेक्स करते हैं। तो आप बच्चों के प्रैक्टिस वर्कशीट में स्मॉल लेटर जरूर इंक्लूड करें। इसमें बच्चों को सभी लेटर्स फिल करने हैं, जैसे ए, ए के आफ्टर बी, सी, डी, ई, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S, T, U, V, W, X, Y and Z, इस तरह से। Then second one is match all letters correctly। इसमें बच्चों को capital letter small letter के साथ match करना है, जैसे B, J, D, L, ठीक इसी तरीके से ये भी मैच कर लेंगे, A, F, E, T। ऐसा करने से बच्चे बिग लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करके आप ऑल को सिलेक्ट करें, इससे आपको मेरी रेगुलर वीडियो की अपडेट्स मिल पाएंगी। नेक्स्ट इज लुक एट द लेटर एंड सर्कल द करेक्ट पिक्चर इन ईच रो। इसमें बच्चों को एज पर लेटर करेक्ट पिक्चर को सर्कल करना है, जैसे A for apple, A for tub होता है नहीं, तो A for apple, तो apple को सर्कल करेंगे। B for butterfly, F for fish, H for house, L for lotus, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट आफ्टर लेटर्स, इसमें आप बच्चों को आफ्टर लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस जरूर कराएं, जैसे B के बाद C, M के बाद N, O के बाद P, R के आफ्टर Yes, E के आफ्टर F, आफ्टर J K, आफ्टर Y Z, आफ्टर W X। नेक्स्ट वर्कशीट इज सी द नेम ऑफ ईच पिक्चर एंड राइट द लेटर विथ विच द नेम बिगिंस। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स बनाए हैं, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से और भी पिक्चर्स बनाएं जो बच्चों के सिलेबस में अवेलेबल है, वही पिक्चर्स आप बच्चों को इस तरह से करवाएं, जिससे कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो और वो आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। यहाँ पर बच्चों को हर एक पिक्चर्स का फर्स्ट साउंड लिखना है, जैसे ये एंट की इमेज है तो यहाँ पर आ जाएगा ए फॉर एंट, फैन एफ फॉर फैन, कप सी फॉर कप, डक डी फॉर डक, काइट के फॉर काइट, लीव एल फॉर लीव। नेक्स्ट वर्कशीट इज सर्कल द ऑड लेटर इन ईच सेट। यहाँ पर हर एक सेट्स में बच्चों को चेक करना है कि कौन सा लेटर ऑड है, जैसे इसमें लेटर बी ऑड है, लेटर सी ऑड वंस, लेटर ई एंड लेटर क्यू। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द फर्स्ट लेटर्स टू कंप्लीट देयर नेम्स। इसमें भी बच्चों को सभी इमेजेस के फर्स्ट लेटर लिखना है, जैसे गर्ल जी फॉर गर्ल, बोट बी फॉर बोट, कैट सी फॉर कैट, एग ई फॉर एग, जोकर जे फॉर जोकर, लैम एल फॉर लैम, मून एम फॉर मून, ऑरेंज ओ फॉर ऑरेंज, क्विल क्यू फॉर क्विल, लाइक दिस। नेक्स्ट वर्कशीट इज राइट अ लेटर दैट कम्स बिटवीन द गिवन लेटर्स। इसमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं, इसमें बच्चों को वो लेटर्स फिल करने हैं जो इन दोनों लेटर्स के बीच में आते हों, जैसे ए और सी का बिटवीन लेटर क्या है बी, डी एंड एफ का बिटवीन लेटर ई, एच एंड जे का बिटवीन लेटर आई,
एम एंड ओ का बिटवीन लेटर एन, इस तरह से। सो ये थी हमारी वर्कशीट। आप बिल्कुल इस तरीके से फॉलो करके बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। आई होप इससे आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी। आप सभी को यह वर्कशीट कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।